अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है ऑक्साइड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एक था हमारे पास हैलाइड और हाइड्राइड। सेम बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, टाइप्स और पीरियोडिक ट्रेंड। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्साइड की डेफिनेशन होगी बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें दो ही एलिमेंट हो, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड ऑक्साइड। इसको हम ऑक्साइड का नाम देंगे। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट हो, एक हमारे पास ऑक्सीजन हो, इसके साथ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसको हम ऑक्साइड का नाम दे रहे होते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है। मसलन वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्साइड, H2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं Cl2O, NO2, P2O5। ये सारे के सारे हमारे पास ऑक्साइड हैं। देख लो यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल मैंने दी हैं, इन सब में ऑक्सीजन लाजमी है। ऑक्सीजन के साथ एक और एलिमेंट है, यही हमारे पास बाइनरी का मतलब दो होता है। जैसे बाइनरी फिशन, सही, बाइनरी वर्ड वहाँ से निकाला गया है। बाइनरी का मतलब है दो, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हो, इसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। अब इसकी टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास टाइप्स तीन हैं। कितनी टाइप्स हैं इसकी भी? तीन टाइप्स हैं। एक पहले नंबर हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, टाइप्स में एसिडिक ऑक्साइड्स। इसके बाद बेसिक ऑक्साइड्स हैं, और तीसरी टाइप कौन सी हो सकती है, एक एसिडिक, बेसिक और लास्ट में एम्फोटेरिक। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करती हों, इसको हम नाम दे रहे होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सबसे पहली बात मैं करूँगा, स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑक्साइड से। हेडिंग दे दो, बेसिक ऑक्साइड्स। पहले नंबर पे आपको ना कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें पता होनी चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल यहाँ बनाते हो ना, पीरियोडिक टेबल में ये कुछ इस तरह का हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जो बुक के अंदर मौजूद है। सही है, इसमें ना मैक्सिमम एलिमेंट जो है ना वो मेटल्स हैं। मतलब ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी हमारे पास है मेटल्स। ये क्या हमारे पास है? मेटल्स। और ये वाली चीज़ हमारे पास है नॉन मेटल्स। मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होता है? हमेशा बेसिक इन नेचर होंगे। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। बस ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। तो यही बात लिखेंगे हम यहाँ पे, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, मेटल के जो ऑक्साइड है ना, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। सॉरी, बेसिक, बिल्कुल सही है, बेसिक इन नेचर। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये देखो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट है, और इसको क्या नाम देते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड है। ये दोनों के दोनों, इसको कहते हैं अल्कली मैटर, ग्रुप नंबर फर्स्ट है के एलिमेंट को, और सेकंड है के एलिमेंट को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट है और सेकंड है एलिमेंट के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट है एंड सेकंड ए एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट है और सेकंड ए एलिमेंट्स जो होते हैं ना, फॉर्म एसिडिक, सॉरी, बेसिक ऑक्साइड्स। अब इन ऑक्साइड की सबसे खास बात यह है कि जब इन ऑक्साइड को पानी में हल किया जाता है तो ये बेस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? बेस बना रहे होते हैं। मसलन when these oxides are dissolved in water, they form base। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
ये बेसिकली एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं। सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में हल करूं तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा। ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ हमारे पास बेस कहलाती है। इसलिए हम कहते हैं ये जो सोडियम मेन मेटल का ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। अब लास्ट में हम चंद एक एग्जांपल देंगे। अब आपको पता है यहाँ पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम और उससे साथ वाले में ब्रिलियम मैग्नीशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट आप इनके साथ किसी के साथ भी आप ऑक्सीजन को अटैच करो और आपकी एग्जांपल बन जाएगी। मसलन सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटाशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल लिखनी है तो सीजियम ऑक्साइड CS2O ETC, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं, सही है। और यहाँ पे जितने देखो ऑक्सीजन के साथ जितने भी लगे हुए हैं ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, सही है। और यही मैंने बात ऊपर लिखी हुई है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, जो ऑक्साइड्स मेटल के होते हैं ना वो हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगी एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट टाइप क्या हमारे पास है, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, इसका बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें। मतलब पहले नंबर पर लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो फोर्थ ए से स्टार्ट करके, ग्रुप नंबर फोर्थ ए से स्टार्ट करके सेवन्थ ए तक के एलिमेंट हमेशा बना रहे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, क्या बना रहे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ग्रुप नंबर फोर्थ ए टू सेवन्थ ए एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर फोर्थ ए टू सेवन्थ एलिमेंट्स जो होते हैं ना फॉर्म बना रहे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट बात हमने क्या लिखी है यहाँ पे, जब इन ऑक्साइड को पानी में हल किया जाता है ये क्या बनाते हैं, बेस। जब इन ऑक्साइड को पानी में हल करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड। व्हेन दीज ऑक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, जब ये वाले ऑक्साइड को पानी में हल किया जाता है देन दे फॉर्म, देन दे फॉर्म, ये बना रहे होते हैं एसिड। ये कौन सी चीज़ बनाएंगे, एसिड को बना रहे होते हैं। बस मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चे, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये वाला जो ग्रुप है ना ये 6A ग्रुप है, 6A ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे आप इसको पानी में डालते हो तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। कौन सी चीज़ बनाएगा हमारे पास, H2SO4, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बना रहे होते हैं। और लास्ट वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट्स का पता है और किस तरह जोड़ना है तो ये पता है तो आप आसानी से एग्जांपल लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा वो हमारे पास है जी सल्फर ऑक्साइड लिख लेते हैं, SO2 SO3 इसी तरह NO2 P2O5 CLOCl2 ETC, ये सारे के सारे जितने भी ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या हमारे पास सारे के सारे कौन से ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ थर्ड टाइप एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। थर्ड शेयर क्या हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अच्छा, खुद आपने ना 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी एम्फोटेरिक स्पीशी, ऐसी शायद जो एसिड के तौर पे भी काम करे और बेस के तौर पे भी काम करे उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक बेसिकली वर्ड एम्फीबियन से निकला है, और एम्फीबियन जानदार आपको पता है कौन से होते हैं, ऐसे जानदार जो खुश्की पे भी रह सकें और पानी में भी रह सकें एक ही वक्त में। जैसे फ्रॉग एम्फीबियन है, फ्रॉग क्या हमारे पास एम्फीबियन है, सेम इसी तरह हमारे पास ऐसी चीज़ें जो एसिड के तौर पर भी काम करें और बेस के तौर पर भी काम करें, इसको हम नाम दे रहे होते हैं एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोज ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड विच, ऐसे ऑक्साइड जो क्या करते हैं, विच एक्ट एज
एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको हम नाम दे रहे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अच्छा, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात की जाए तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ना, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे एलिमेंट जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। अच्छा, इसमें एग्जांपल लिखने के बाद ना, मैं आपको एक जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका आंसर लेंगे। पास्ट पेपर में आप चेक कर लीजिएगा, तकरीबन दूसरे तीसरे पास्ट पेपर में आपको ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखवाना है तो ये लाजमी दिया होता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि जब भी टेस्ट होगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, सही है, जब भी होगा। तो इसकी मैं अगर एग्जांपल दूँ, यहाँ पे ब्रिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ETC, बस। अब जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है वो कहते हैं जस्टिफाइड एट इस चीज़ की वजाहत कर दें, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस चीज़ की वजाहत कर दो कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अच्छा, किसी भी चीज़ की एम्फोटेरिक नेचर को वजाहत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को एक दफ़ा आपने एसिड के तौर पर प्रूव करना और एक दफ़ा बेस के तौर पर प्रूव करना है। और एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि एसिड हमेशा बेस से रिएक्शन करता है। एसिड क्या करता है, हमेशा बेस से रिएक्शन करता है। अगर आप इस चीज़ को एम्फोटेरिक प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको प्रूव करोगे कि चीज़ एसिड के तौर पर भी काम करती है और ये चीज़ बेस के तौर पर भी काम करती है। चलो, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ना, वो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बिकॉज क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बिकॉज इट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है। मसलन यहाँ चेक कीजिएगा, मैं पहले नंबर पर जिंक ऑक्साइड को ना एसिड से रिएक्शन करवाता हूँ, H2SO4। H2SO4 का पता है आपको, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये वाली चीज़ एसिड है तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या काम करेगा, बेस, क्योंकि एसिड हमेशा रिएक्ट करता है बेस है। यहाँ चेक कीजिएगा प्रोडक्ट क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, ये चेक कीजिएगा। आपने यहाँ से जिंक को हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह पर लगाना है, ये इसकी जगह पर जल जाएगा, और ये जब ये इसकी जगह पर जाएगा तो बनेगा जिंक सल्फेट, और जब ये हाइड्रोजन इसकी जगह आएगा तो क्या बनेगा, H2O। देखो, एसिड की तरह तो प्रूव कर दिया हमने, अब बेस की तरह प्रूव करने लगे। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड इज एक्ट एज बेस। अब एक और रिएक्शन लिखते हैं, हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ हमने रिएक्शन करवाया। देखो, ये वाली चीज़ है बेस, ये वाली चीज़ क्या हमारे पास है, बेस, तो ये वाली चीज़ काम करेगी एज अ एसिड। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनना है वो क्या है, वो है हमारे पास Na2ZnOH, ये चार है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। चेक करो, इक्वेशन बैलेंस है, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये, सही है, चलो दो, या ये चेक करो, आप दो हाइड्रोजन ये, चार हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन चेक करो, एक ऑक्सीजन ये, दो ये और एक ये, चार ऑक्सीजन हो गए। जिंक एक है, दो सोडियम है, इक्वेशन बैलेंस है, सही है। अब आपने बता दीजिए, इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। इन अबाउ रिएक्शन
जिंक ऑक्साइड एक्ट एज एसिड, सो इट इज प्रूव दैट, इट प्रूव दैट, ये साबित हो गया है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने ये साबित कर दिया कि जिंक ऑक्साइड बेसिकली क्या हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलो जी, ये बात हो गई। तीन टाइप अभी की हैं। अब तीन टाइप के बाद जो लास्ट वाली चीज़ आपको पता है क्या आना है, क्या आना है? पीरियोडिक ट्रेंड। और पीरियोडिक ट्रेंड भी इसके बड़े आसान है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी पीरियोडिक ट्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे गौर करो, सबसे पहले बात वही है, हम करेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। देखो इस साइड वाले कौन से ऑक्साइड है? बेसिक। इस साइड वाले कौन से ऑक्साइड है? एसिडिक। मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है और बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, सही? क्योंकि इस साइड वाले एलिमेंट सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं, इस साइड वाले एलिमेंट जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर कम होगा, सॉरी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा और बेसिक करेक्टर कम होगा, सही है? तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है। वेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, देन तो फिर होता क्या है, एसिडिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीज, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक CHARACTER करैक्टर, ये मैं यहाँ पे एक ना ऑर्डर लिखने लगा हूँ एसिडिक करैक्टर का। ये ऑर्डर अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं याद कर सकते छोड़ दीजिएगा, सही है? थोड़ा सा मुश्किल है। सोडियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर, इसका बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर हमारे पास आ जाता है एलुमिनियम ऑक्साइड जो कि ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड, इसके बाद P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इससे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर है हमारे पास SO3 का, इससे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर है OCl2 का, OCl2 का। ये हमारे पास एसिडिक करैक्टर की स्ट्रेंथ है। मतलब जब हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये बात हमारे पास होगी अलोंग द पीरियड क्या काम होता है, जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। मैं पहले कह रहा हूँ बच्चे, अगर कोई ये वाली चीज़ याद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ना टाइम लगेगा आपका, गलत नहीं लिखनी। मतलब इसका ये बेस है, ये याद रखिए, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये भी बेसिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है, ये उससे ज़्यादा एसिडिक है, ये सबसे ज़्यादा, और ये सबसे आखिर सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सही है? तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बात डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप सिर्फ एक बात याद रखिएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, लेफ्ट टू राइट एसिडिक करैक्टर बढ़ता है? एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, बेसिक करैक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, टॉप टू बॉटम बेसिक करैक्टर बढ़ेगा और एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीज्ड। तो ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। ये बात एक छोटी सी याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ना लास्ट में एक छोटी सी बात लिखेंगे, ये
ना भी लिखोगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में तो भी चल जाए, कम से कम बचाइए। याद रखिएगा ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आया ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको बोलना चाहिए, सही है। बाकी तकरीबन तकरीबन चीज़ें ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। हमने जहाँ पे मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड का एक टॉपिक पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने बेसिक ऑक्साइड की बात भी की है, एसिडिक ऑक्साइड की भी बात की है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात की है, सही। ऐसी बात नहीं कि हमने पढ़े नहीं हुए, पहले पढ़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे एक तरतीब दोबारा फिर हमने एक दे दी है, सही। बातें सिंपल याद रखिए, मैंने कहा जो मुश्किल चीज़ है इसको छोड़ दो, गलत नहीं लिखना, गलत लिखोगे तो नंबर जाएंगे, सही है, छोड़ दो तो सही है। अच्छा लास्ट वाली जो चीज़ मैं यहाँ पे नोट बनवा के लिखवाऊंगा, ये एमडी कैट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो एसिडिक करैक्टर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। एसिडिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी बढ़ती जाएगी उसका एसिडिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। मसलन मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर। अब क्या ऑर्डर है हमारे पास एसिडिक करैक्टर का, कहते हैं सबसे कम एसिडिक करैक्टर होगा MnO का, इससे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा Mn2O3 का, इससे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा MnO2 का, और सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा हमारे पास Mn2O7 का। ये एक छोटा सा ऑर्डर आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ना आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर लीजिएगा, सबकी Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, आप चेक करोगे इस साइड की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। मसलन यहाँ पे आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है क्या होती है, -2, तो इसकी कितनी होगी +2। अब यहाँ पे निकाल लो 2x+3-2=0, तो 2x = -+6, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे +4 और यहाँ पे 7 × 2=+7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेशक कट निकाल के चेक कर लीजिएगा, सही है। जब हम लेफ्ट राइट बढ़ रहे हैं, यानी कि ये जिस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उस तरह इनका एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है, इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होगी, सबसे कम होगी। बस ये बात आपने एक सिंपल सी याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास ऑक्साइड वाला टॉपिक, इसमें देख लें जो बातें हमने डिस्कस करनी, सबसे पहले डेफिनेशन की, एग्जाम्पल टाइप्स, बेसिक ऑक्साइड मेटल बनाते हैं, सही, जब पानी में हल किया जाता है तो बेस बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल बनाते हैं, जब पानी में हल करते हैं तो एसिड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस की तरह काम करें, और लास्ट में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसको लाजमी करना है, और इसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड है, लेफ्ट राइट एसिडिक करैक्टर कम होता है, सॉरी बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम एसिडिक करैक्टर कम होता है। बस ये बातें आप चंद एक याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।